गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, मैं राजकुमार सिंह आप सभी लोगों का अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आप लोगों से निवेदन करता हूं, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस नोटिफिकेशन बेल टू गेट माय अपकमिंग वीडियोस। यहां से देखते हैं, इट वॉज ऑल इन वेन, वेन मतलब बेकार, सब बेकार हो गया। ही प्लेड विथ मी, वह मेरे साथ खिलवाड़ किया। ओपनली मतलब खुलेआम, एंड ऑस्टेंटेशियसली मतलब दिखावे के लिए। वह मेरे साथ खुलेआम और ऑस्टेंटेशियसली मतलब दिखावे के लिए खिलवाड़ किया। लाइक ए स्किलफुल मेटाडोर, एक चतुर मेटाडोर के समान। मेटाडोर मतलब सांड से लड़ाई करने वाला योद्धा। फाइनिशिंग राउंड, फाइनिशिंग मतलब कलात्मक तरीके से जो राउंड मतलब गोल गोल घूमता है। एन इन्फ्यूरिएटेड बुल, एक गुस्साए हुए सांड के चारों तरफ। इट वॉज ऑब्वियस, यह स्पष्ट था। दैट ही वॉज इंजॉइंग हिमसेल्फ, वह आनंद ले रहा था। दैट इट वॉज फॉर दिस, दैट ही हैड डिस्टर्ब्ड माई रिपोज। दैट इट वॉज फॉर दिस मतलब इसके लिए वह, ही हैड डिस्टर्ब माई रिपोज, वह मेरे आराम में डिस्टर्ब किया था, खलल डाल दिया था। ही वॉन्टेड अ लिटिल स्पोर्ट, वह मुझसे खेलना चाहता था। एंड व्हाट स्पोर्ट, लाइक बीइंग चेस्ड बाय दिस ह्यूज, करेगी किस प्रकार का खेल। लाइक बीइंग मतलब इस तरह का, कि चेस्ट मतलब पीछा करना, बाय दिस ह्यूज, वह चाहता था कि यह जो विशाल प्राणी है वह मेरा चेस्ट मतलब पीछा करे। लंबरिंग वाइंड मील ऑफ ए क्रिएचर, मतलब एक ऐसा प्राणी जो भारी भरकम पवन चक्की के समान है। हु टेस्टेड सो गुड, मतलब उसे मेरा जो स्वाद था वह बहुत अच्छा लगा। एंड सीम्ड, और ऐसा प्रतीत हुआ, सो हेल्पलेस एंड सो स्टूपिड, उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बहुत असहाय हूँ और बहुत मूर्ख हूँ। आई बिगेन टू इंटर इन टू द स्प्रिट ऑफ द फेलो, मैं उसकी आत्मा में प्रवेश करने लगा, अर्थात मैं उसको समझने लगा और पसंद करने लगा। ही वॉज नो लॉन्गर ए मियर इंसेक्ट, वह मेरे लिए कीड़ा मात्र नहीं था। मियर मतलब मात्र, वह मेरे लिए एक कीड़ा मात्र नहीं था। ही वॉज डेवलपिंग इन टू अ पर्सनैलिटी, वह एक व्यक्तित्व के रूप में विकसित हो रहा था। एन इंटेलिजेंस, एक ऐसी बुद्धि के रूप में। दैट चैलेंज, जो मुझे चुनौती दे रही थी। द पोसेशन ऑफ दिस कंपार्टमेंट, पोसेशन मतलब अधिकार, इस डिब्बे के अधिकार के बारे में। विथ मी, मेरे साथ। ऑन इक्वल टर्म्स मतलब बराबर बराबर, मतलब एक ऐसी बुद्धि के रूप में वह विकसित हो रहा था जो मुझे चुनौती दे रही थी कि बराबर बराबर इस डिब्बे में दोनों की हिस्सेदारी है। आई फेल्ट माई हार्ट वार्मिंग टुवार्ड्स हिम, मैंने महसूस किया कि मेरा हृदय, वार्मिंग मतलब पिघल रहा था, टुवार्ड्स हिम उसके प्रति, यानी मैं उसके प्रति अब दयालु बन रहा था। एंड द सेंस ऑफ सुपरियरिटी फेडिंग, और जो मेरी श्रेष्ठता का ज्ञान था, जो श्रेष्ठता का भाव था, वह फेडिंग मतलब मुरझा रहा था। कहने का मतलब यह है कि श्रेष्ठता का जो मेरे अंदर भावना थी वह अब फीकी पड़ती जा रही थी। हाउ कुड आई फील सुपीरियर टू ए क्रिएचर, मैं एक प्राणी से अपने आप कैसे सुपीरियर मतलब श्रेष्ठ मान सकता था। हु वॉज सो मैनिफेस्टली माई मास्टर, जो मैनिफेस्टली मतलब स्पष्ट रूप से, जो स्पष्ट रूप से मेरा मास्टर था, मेरा मालिक था। इन द ओनली कम्पिटिशन, इस प्रतियोगिता में। इन विच, जिसमें। वी हैड ईवर इंगेज, मतलब हम दोनों लोग उसमें जुड़े हुए थे। वाई नॉट बी मैग्नानिमस अगेन, कहता है कि क्यों न दोबारा मैग्नानिमस मतलब उदारता दिखाई जाए। मैग्नानिमिटी एंड मर्सी वर द नोबलेस्ट एट्रीब्यूट्स ऑफ मैन, उदारता और दया मनुष्य का सबसे अच्छा गुण है, सबसे महान गुण है। इन द एक्सरसाइज ऑफ दीज हाई क्वालिटीज, इन उच्च गुणों का अभ्यास करके आई कुड रिकवर माई प्रेस्टीज, रिकवर मतलब वापस पाना, प्रेस्टीज मतलब सम्मान, मैं अपने सम्मान को, मैं अपनी प्रतिष्ठा को वापस पा सकता था। एट प्रेजेंट,
उस समय आई वॉज अ रिडिकुलस फिगर, मैं एक हंसी का पात्र बन गया था। ए थिंग फॉर लाफ्टर, एक ऐसी वस्तु जो हंसी के लिए थी। एंड डेरिशन मतलब उपहास के लिए थी। बाई बींग मर्सीफुल, दयालु बनकर आई कुड री एसर्ट द मोरल डिग्निटी ऑफ मैन, मैं मनुष्य के नैतिक सम्मान को दावा कर सकता था। री एसर्ट मतलब दावा करना। एंड गो बैक टू माई कार्नर विथ ऑनर, और सम्मान के साथ कोने में जाकर बैठ सकता था। आई विथड्रॉ द सेंटेंस ऑफ डेथ आई सेड रिटर्निंग टू माई सीट, अपनी सीट पर वापस आते हुए मैंने कहा कि मैं मौत की सजा को वापस लेता हूँ। विथड्रॉ वापस लेता हूँ। आई कैन नॉट किल यू, मैं तुम्हें नहीं मार सकता हूँ। बट आई कैन रिप्रीव यू, लेकिन मैं तुम्हारी सजा को टाल सकता हूँ। आई डू इट, मैं इसे स्थगित करता हूँ। आई टूक अप माई पेपर एंड ही केम एंड सैट ऑन इट, मैं अपना अखबार उठा लिया और वह आया और उस पर बैठ गया। फूलिश फेलो आई सेड, मैंने कहा कि मूर्ख, यू हैव डिलीवर्ड योर सेल्फ इन टू माई हैंड्स, तुमने अपने आप को मेरे हाथों में डिलीवर्ड मतलब सौंप दिया है। आई हैव बट टू गिव दिस रिस्पेक्टेबल वीकली ऑर्गन ऑफ ओपिनियन ए स्मैक ऑन बोथ द कवर्स एंड यू आर ए कॉर्प्स, कह रहे कि मुझे कुछ नहीं करना है। आई हैव बट, मुझे सिर्फ ये करना है, दिस रिस्पेक्टेबल इस सम्मानीय साप्ताहिक अखबार को स्मैक मतलब मसल देना है ऑन द बोथ द कवर्स मतलब दोनों पन्नों को। एंड यू आर ए कॉप्स, और तुम एक सौ बन जाओगे, लाश बन जाओगे। नीटली सैंडविचेस, और लगभग तुम सैंडविच बन जाओगे। बिटवीन एन आर्टिकल, इन आर्टिकल के बीच में, आर्टिकल मतलब जो उस पर लिखा गया था उसके बारे में कह रहा है कि उन आर्टिकल के बीच में जिसके एक पन्ने पर लिखा हुआ था पीस ट्रैप्स मतलब पीस ट्रैप्स के बारे में, एंड अनादर ऑन, और दूसरे पन्ने पर लिखा हुआ था द मोडेस्टी ऑफ मिस्टर हब्स, मिस्टर हब्स के बारे में लिखा हुआ था। तो कह रहा कि इन दोनों के बीच में तुम दब जाओगे और तुम लाश बन जाओगे। बट आई शैल नॉट डू इट, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूंगा। आई हैव रिप्रीव्ड यू, मैं तुम्हारी सजा को टाल दिया हूँ। एंड आई विल सेटिस्फाइड यू, और मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। दैट वेन दिस लार्ज एनिमल से, जब यह विशालकाय प्राणी कहता है, यानी कि जब मैं कुछ कहता हूँ, ए थिंग मतलब कोई चीज, ही मीन्स तो उसका यही मतलब होता है, मोर ओवर और इसके अतिरिक्त, आई नो लॉन्गर डिजायर टू किल यू, तुम्हें मारने की मेरे अंदर अब कोई इच्छा नहीं है। Through knowing you better, I have come to feel, तुम्हें भली भांति, through knowing you better, तुम्हें भली भांति जानने के बाद में मुझे ऐसा लग रहा है, shall I say, क्या मैं कहूँ, a sort of affection for you, तुम्हारे लिए एक प्रकार का स्नेह लग रहा है। I fancy, मैं कल्पना करता हूँ, that Saint Francis मतलब संत फ्रांसिस would have called you, तुम्हें बुलाए होंगे। लिटिल ब्रदर मतलब वह तुम्हें छोटे भाई की तरह बुलाए होंगे। आई कैन नॉट गो सो फार, मैं उतना दूर नहीं जा सकता हूँ। एज दैट इन क्रिश्चियन चैरिटी मतलब जो ईसाइयों की दया होती है एंड सिविलिटी जो सभ्यता होती है उसमें मैं इतना दूर नहीं जा सकता हूँ। बट आई कैन रिकॉग्नाइज ए मोर डिस्टेंस रिलेशनशिप, लेकिन मैं तुमसे एक बहुत दूर का रिश्ता रिकॉग्नाइज मतलब पहचान सकता हूँ। फॉर्चून हैज मेड अस फेलो ट्रेवलर्स, भाग्य ने, फॉर्चून भाग्य ने हम लोगों को सहयात्री बनाया है। ऑन दिस समर नाइट, इस गर्मी की रात्रि में, आई हैव इंटरेस्टेड यू, मैं तुम्हें रुचि ली। एंड यू हैव इंटरटेन मी, और तुमने मेरे साथ मनोरंजन किया। द ऑब्लिजेशन इज म्यूचुअल, जो हम लोगों का ऑब्लिजेशन मतलब एहसान है वह म्यूचुअल मतलब पारस्परिक है। एंड इट इज फाउंडेड ऑन द फंडामेंटल फैक्ट, और यह जो है फाउंडेड मतलब टिका हुआ है,
फंडामेंटल फैक्ट मतलब आधारभूत तथ्य पे दैट वी आर फेलो मोर्टल्स कि हम लोग मरणशील, मोर्टल्स मतलब मरणशील मरने वाला, तो हम लोग मरणशील साथी हैं। द मिरेकल ऑफ लाइफ इन आवर्स इज कॉमन, हम लोग के जीवन का जो आश्चर्य है वह एक समान है, एंड इट्स मिस्ट्री टू और इसका रहस्य भी। आई सपोज यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट योर जर्नी, आई सपोज मैं मानता हूं कि तुम अपनी यात्रा के बारे में कुछ नहीं जानते हो। आई एम नॉट श्योर दैट आई नो मच अबाउट माइन, और मैं भी निश्चिंत नहीं हूं कि मैं भी अपने बारे में बहुत कुछ जानता हूं। वी आर रियली, वेन यू कम टू थिंक ऑफ इट, जब तुम इसके बारे में सोचोगे, वी आर रियली, तो हम लोग वास्तव में ए गुड डील अलाइक मतलब बहुत हद तक एक समान है। जस्ट अपीयरेंस मतलब छाया, हम लोग केवल छाया मात्र हैं। दैट आर एंड देन आर नॉट, जो अभी है कुछ समय बाद नहीं है। कमिंग आउट ऑफ द नाइट इंटू द लाइटेड कैरिस, जो रात्रि से यह प्रकाशमान डिब्बे में आता है। फ्लटरिंग अबाउट द लैम्प फॉर ए वाइल, कुछ समय तक लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ाता है। एंड गोइंग आउट इंटू द नाइट अगेन, और पुनः उस रात्रि में चला जाता है। परहैप्स मतलब शायद। Going on to night, sir, said a voice at the window. खिड़की से किसी ने मुझसे कहा कि श्रीमान क्या आज रात को आप कहीं जा रहे हैं? Going on to night, आज रात को क्या आप कहीं जा रहे हैं? It was a friendly porter, यह एक जान पहचान का मेरा कुली था। Giving me a hint, मुझे संकेत दे रहा था। दैट दिस वॉज माई स्टेशन, कि यह मेरा स्टेशन था। आई थैंक ही, मैंने उसे धन्यवाद दिया। एंड सेड और कहा, आई मस्ट हैव बीन डोजिंग, मैं अवश्य उघने लगा होऊंगा। डोजिंग का मतलब होता है उघना, जैसे झपकी आना, हल्का हल्का नींद आना। एंड सीजिंग माई हैट एंड स्टिक, और अपने टोप को और छड़ी को पकड़ते हुए, आई वेंट आउट, मैं बाहर चला गया। इंटू द कूल समर नाइट, उस ठंडी गर्मी की रात में। एज आई क्लोज द डोर ऑफ द कंपार्टमेंट, जैसे ही मैं रेल के डिब्बे का दरवाजा बंद किया, ऐसा मैंने देखा माई फेलो ट्रेवलर फ्लटरिंग राउंड द लैम्प, मेरा सहयात्री लैम्प के चारों तरफ फड़फड़ा रहा था।